नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो चुका है आज सुबह की ताजा तरीन खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और सिंगापुर भारत हैकाथॉन 2019 के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए उन्होंने आईआईटी के पूर्व छात्रों से अपने भाषण के लिए विचार साझा करने को कहा है। भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी IRCTC का IPO आज बाजार में दस्तक देगा, जिसमें प्रति शेयर आधार मूल्य 315 से 320 रुपए रखा गया है। आपको बता दें कि इसके जरिए सरकार 635 से 645 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह आज त्वरित कार्रवाई बल RAF के स्थापना दिवस पर आयोजित परेड का निरीक्षण करेंगे। गौरतलब है कि RAF देश का सबसे बड़े अर्धसैनिक बल CRPF का हिस्सा है, जिसमें 3.25 लाख से अधिक जवान है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे, जहां इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद यात्री महज 20 मिनट के भीतर हापुड़ से डासना पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि गाजियाबाद से हापुड़ तक का तीसरा चरण 22 किलोमीटर लंबा है। गृह मंत्रालय ने CRPF जवानों के पास राशन के पैसे नहीं होने की खबर को निराधार बताया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जुलाई महीने के लिए 2 लाख से अधिक CRPF के जवानों को राशन भत्ते का भुगतान दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और NCP के बीच गठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा सीट मिल सकती है और पार्टी 125 से ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग को बड़ी राहत दी है, जहां चुनाव आयोग ने उनके चुनावी मैदान में उतरने की अयोग्यता की अवधि को कम कर दिया है। आपको बता दें कि तमांग अभी सिक्किम विधानसभा के सदस्य नहीं है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक से करीब 30,000 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार पहले भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश ले चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 21 अक्टूबर को होंगे और इसके नतीजे 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। सऊदी अरब भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए देश में बुनियादी संरचना और खनन समेत अन्य क्षेत्रों में $100 अरब की निवेश करने की संभावना देख रहा है। दरअसल इस मामले पर सऊदी अरब के राजदूत डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने कहा कि भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य है और सऊदी अरब तेल, गैस व खनन जैसे मुख्य क्षेत्रों में दीर्घकालिक भागीदार पर गौर कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी की पहचान से जुड़ी रायसीना पहाड़ी और आसपास के स्थलों पर कायाकल्प योजना के तहत केंद्र सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों को अस्थायी ढांचे में स्थानांतरित करने के मध्य दिल्ली में 4 स्थानों की पहचान की है। आपको बता दें कि इन अस्थायी ढांचों का निर्माण CPWD करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि बांदीपुर रिजर्व से गुजर रहे राजमार्ग पर 9 घंटे के यातायात रोक से केरल और कर्नाटक के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा पर्यावरण की रक्षा करते हुए स्थानीय समुदाय के हितों का भी ध्यान रखें। भारत जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन एवं जलापूर्ति कार्यक्रमों के लिए जापान के मॉडल को अपना सकता है, क्योंकि जल संबंधी कार्यक्रमों में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने भी सहयोग की इच्छा व्यक्त की है। गौरतलब है कि भारत में कई स्थानों पर भूजल का स्तर जमीन से काफी नीचे चला गया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बिहार के लोगों को लेकर एक बात कह दी, जिससे विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। बिहार के लोगों पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार का एक आदमी 500 रुपए का टिकट लेकर ट्रेन से दिल्ली आता है और यहाँ के अस्पतालों में लाखों रुपए का इलाज फ्री में करवाकर फिर वापस चला जाता है। इससे खुशी भी होती है, अपने ही देश के लोग हैं, लेकिन दिल्ली की अपनी कैपेसिटी है और दिल्ली पूरे देश के लोगों का इलाज कैसे करेगी। जरूरत है कि पूरे देश की व्यवस्था सुधरे। दिल्ली और कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का 5 अक्टूबर से व्यावसायिक संचालन होगा। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन में उतरेगी। दरअसल इससे पहले कांग्रेस की राज्य इकाई ने उपचुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरने की पैरवी की थी।
लेकिन आला कमान और राजद नेतृत्व के बीच बातचीत में गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री विजया शांति कांग्रेस छोड़ सकते हैं। वहीं ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि अजहरुद्दीन चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस में जा सकते हैं तो विजया शांति भाजपा में शामिल हो सकती है। फराटा धावक हिमा दास और बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद ने रविवार को पीएसपीबी अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन पेट्रोल रन को हरी झंडी दिखाई, जहां इस मौके पर पीएसपीबी के चेयरमैन एमएस कुट्टी और अध्यक्ष संजीव सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर हिमा दास ने कहा कि मैं पेट्रोल रन दिल्ली को झंडा दिखाने के साथ ही फिट इंडिया अभियान में हिस्सा लेकर खुश हूं और मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से जुड़े और इसे सफल बनाए। सिक्किम विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोलने वाली बीजेपी ने 21 अक्टूबर को 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में सत्तारूढ़ एसकेएम के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन को लेकर बीजेपी के सिक्किम प्रभारी नितिन नवीन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में कहा कि दोनों पार्टियों ने सीमावर्ती राज्य के विकास के लिए मिलकर साथ काम करने का फैसला किया है। राजस्थान में जल्द ही कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ विस्तार हो सकता है और मंत्रिमंडल के इस विस्तार में एक और डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा जोरों पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर गए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिली तो नवरात्र से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। प्लास्टिक का उपयोग रोकने को लेकर लखनऊ में नगर निगम अब उन लोगों को पुरस्कृत भी करेगा जो गांधी जयंती पर सबसे अधिक प्लास्टिक कचरे का श्रमदान करेंगे। आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक से शहर को मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की ओर से 2 अक्टूबर को गोमती नगर के 1090 चौराहे सहित शहर में अलग अलग 20 स्थानों पर विशेष आयोजन किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी को ट्रैफिक फ्री बनाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़ा कदम उठाते हुए 120 साइकिलों को खरीद कर पीयू के टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी के अलावा स्टूडेंट को बांटी है ताकि स्टूडेंट दोपहिया या फिर चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल करने के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में पूर्व सरकार के कार्यकाल में कथित डीजल मामले में कुछ ठोस न होने का हवाला देकर जांच बंद करने की विजिलेंस सिफारिश को सरकार ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कर्मियों ने हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने इसकी दोबारा जांच कराए जाने का आदेश जारी किया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के नाम और पते से हरिजन शब्द हटाया जाएगा। दरअसल राज्य में शिक्षा विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है और उन स्कूलों की सूची मांगी है जिनके नाम में हरिजन शब्द आता है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर अब यात्री कुल्हड़ में चाय का आनंद ले सकेंगे। दरअसल स्टेशन को प्लास्टिक फ्री करने के लिए उत्तर रेलवे ने आदेश जारी कर दिए हैं और 2 अक्टूबर से यह व्यवस्था देहरादून स्टेशन पर लागू होने जा रही है। रांची पहुंचे श्रोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को सिख प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर झारखंड में पार्टी के विस्तार पर चर्चा की। आपको बता दें कि इस मीटिंग में उनके साथ श्रोमणि अकाली दल के महासचिव प्रेम सिंह चंदू माजरा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा आदि मौजूद थे। यूपी सरकार में वित्त संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने मंदी पर सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि वर्तमान में मंदी नहीं बल्कि सुस्ती का दौर है और अर्थव्यवस्था में इस तरह से उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस सुस्ती को दूर करने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर में टैक्स का बोझ कम किया है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को भजन पद यात्रा के आयोजन के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रदेश में होने वाले समारोह की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि करीब 1 किलोमीटर तक चलने वाली इस पदयात्रा में महात्मा गांधी की नित प्रार्थना सम्मिलित भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए गाया जाएगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दूसरी बार प्लास्टिक को प्रयोग में लाकर नगर निगम ने 280 मीटर की सड़क बनाई, जहां इसका उद्घाटन महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त दिनेश सिंह ने किया। जानकारी के अनुसार सड़क में 350 किलोग्राम प्लास्टिक और 5% तारकोल का प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हमारे संवाददाता अवध किशोर बता रहे हैं कि पीलीभीत में राष्ट्रीय एकता अभियान के तहत जनजागरण प्रबुद्ध गोष्ठी का गांधी शब्द किया गया, जहां इस गोष्ठी में भाजपा के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने अपने संबोधन में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।
तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को जरूर दबा दें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।